इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में हर्षित कबरेट की बात करें। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। क्रॉस वोटिंग के डर से उदयपुर में कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार शाम अचानक दिल्ली रवाना हो गए। होटल ताज अरावली रिजॉर्ट के सीधे एयरपोर्ट पहुंचे। पायलट के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इधर उदयपुर में कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी प्रमोद तिवारी भी आज उदयपुर पहुंचे। पायलट ने कहा कि कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। पायलट के साथ रोहित बोहरा, ब्रजेंद्र रौला, रमीला खड़िया, जोगिंदर सिंह, अवाना नरेंद्र बुडानिया, गुरमीत सिंह कुनर भी साथ नजर आए। कुल 66 विधायक होटल ताज अरावली में पहुंचे हैं। 8 मंत्री भी होटल में अपनी आमद दर्ज करा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की मुश्किल कम नहीं हुई है। 4 विधायक राजेंद्र गुडा, संदीप यादव, वादी बाली और गिरिराज मलिका कांग्रेस की बाड़ेपति में जाने के बजाय सरिस्का में टाइगर सेंचुरी में टाइगर सफारी का लुफ्त उठा रहे हैं। एक और विधायक लागन सिंह खटाना भी इनके साथ है। राजेंद्र गुड़ा गहलोत सरकार में मंत्री भी है। मलिका को छोड़कर चारों बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। चारों कांग्रेस और सीएम गहलोत से नाराज बताए जा रहे हैं। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया। गुड़ा ने अपनी नाराजगी जाहिरते हुए कहा कि ये सच बात है कि जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। पता नहीं इनकी क्या मजबूरी रही। गहलोत साहब मीडिया में बहुत बोलते हैं, कभी बैठकर हमारी चिंता करते। अजय माकन ने हमसे जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले ही मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा चुनावों में विधायकों को तोड़ने के लिए कांग्रेस विधायक वाजिद अली को नोटिस दिया है। केंद्र सरकार पुराने मामले खोल रही है, लेकिन वाजिद अली ने सीएम गहलोत के इस दावे को आज झुठला दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक केंद्र एजेंसियों से उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, अगर मिलता भी तो वे जांच के लिए तैयार है। तो ये था आपका कवरेज। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।